हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेड के कैंपस से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का केमिस्ट्री लेकर आया हूं और केमिस्ट्री में चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसे बिना देर करवाए स्टार्ट करता हूं और इस चैप्टर में आपके कैसे एग्जाम में सवाल आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे वो हर चीज बताऊंगा और प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके या फिर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। तो आप बिना देर करवाए आप चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट लिखा हुआ, तो अब एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, उसका हम वन बाय वन इसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज के मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण, ये क्या क्या है, और सभी के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसके कुछ इंट्रोडक्शन में समझते हैं ये है एक्चुअली क्या। जो एसिड बेस सॉल्ट है वो आपका जो एसिड बेस और सॉल्ट है वो एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक है या फिर रासायनिक पदार्थ है, ये आप बोल सकते हो। और इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग है और ये उपयोगी भी है, इसके बिना बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव भी करना, ये भी बोल सकते हो आप। अब इसका प्रयोग क्या है उसमें, अच्छा एक चीज और, ये जो वीडियो बन रहे हैं वो सभी के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के हो या कोई भी स्टेट से हो, वो सभी के लिए है। और जो आपका है, अगर अभी आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके 10th के बाद आप डिप्लोमा या फिर ITI या फिर अन्य कोई भी अगर एग्जाम में आप एंट्रेंस में बैठते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बारीकी से हर कुछ बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। अब मैं बात करता हूं यहां पे इसका कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या प्रयोग है। तो उस प्रयोग में सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है व्हेन एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, यानी कि जब कोई आदमी अत्यधिक भोजन करता है, क्या करता है, अत्यधिक भोजन करता है तो उसे एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो उस एसिडिटी से बचने के लिए, यानी कि उस एसिडिटी से अत्यधिक भोजन करने क्या हो जाता है, उसे अम्लता हो जाता है। और उस एसिडिटी से एक्सेसिव फूड के कारण से उसे क्या होता है, तो उसे हम बेकिंग सोडा का सोल्यूशन देते हैं, यानी ये सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का विलयन देते हैं ताकि उसे वह क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसे एसिडिटी खत्म हो जाता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये बेकिंग सोडा देते हैं उसे खाने के लिए या उसको घोल देते हैं तो खत्म क्यों हो जाता है, और वो तो एसिडिटी है, यानी कि अम्लता और क्षार। इसके मैं जवाब दूंगा अभी तुरंत इसके आगे, लेकिन फिलहाल अभी समझे उसका अम्लता यानी एसिडिटी खत्म हो जाता है। अब जो ऐसे बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा क्या का जो प्रयोग है वो बेकिंग ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो क्या है, बेस है। यानी हिंदी में बोलूंगा समझाऊं तो पारोटी बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का इंग्लिश में केमिकल फॉर्मूला, यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका प्रयोग किया जाता है। और वह क्या है, क्षारक है। ये तो मैं पहला पॉइंट ये क्या था, एसिड का, दूसरा था बेस का, अब तीसरा समझते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है डेली लाइफ में होता है वो आप भी जानते हैं कि आपके घर पे अगर खाना बन रहे हैं तो उसमें भी नमक डाला जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, यानी कि जो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड केमिकल फॉर्म में जो खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं को मैं ओवरऑल बात करूं कि यह अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं, तो उससे लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या होता है, अम्ल तथा क्षार का अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे समझना। अब टोटल इसी पे ये आधारित है। अब कुछ ऐसे भी चीज हैं, आप एक चीज पूछ सकते हो कि सभी चीज में एसिड होते हैं या बेस होते हैं या सॉल्ट होते हैं, जी नहीं, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो ना ही एसिडी होते हैं ना ही, यानी कि नाइदर एसिड्स नॉर बेस और नॉर सॉल्ट, ना ही वो अम्ल होते हैं ना ही वो क्षार होते हैं ना ही वह लवण होते हैं।
जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के मतलब जिसे वेपोराइज करके कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है वाष्पीकरण करने के बाद, उसके बाद ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, केन शुगर के मतलब होता है जो ईख का रस होता है उसमें, तो इन सब में क्या होते हैं, ये रासायनिक यौगिक हैं लेकिन ये ना अम्ल है, ना क्षार है, ना ही ये लवण है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन था और आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एसिड का कि एसिड क्या होता है। अब समझते हैं एसिड, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। अब एसिड में सबसे पहले एसिड क्या है, अब यहां से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा इस एसिड के बारे में। तो एसिड मीन सॉर इन टेस्ट, आने के जो स्वाद में खट्टे होते हैं जब आप भोजन करते हो या कुछ चीज खाते हो, तो खाने के बाद जो आपको टेस्ट में अगर खट्टा मिलता है यानी कि आप फील करते हो कि खट्टा है, तो आप समझ जाना कि उसमें क्या मौजूद है, अम्ल मौजूद है यानी एसिड मौजूद है। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं लेमन, टैमरिंड, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज, टमाटो, स्टिंग ऑफ हैंड, एप्पल, गुआवा, इस तरह से आंवला, ये सभी मेरे एग्जांपल किसके हैं, एसिड के। और यहाँ पे अब हिंदी में क्या लिख दिया उसे भी एक बार समझ लेते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, जिसका अर्थ होता है खट्टा यानी सॉर, मतलब खट्टा, ये पहले भी समझा दिया। अभी हम इसे हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में स्वाद में खट्टा होता है उसमें अम्ल पाया जाता है, ये अभी मैंने आपको समझा। जैसे एग्जांपल में कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश लिखा हुआ है, जैसे लेमन फर्स्ट में तो नींबू लिखा हुआ है, टैमरिंड है तो इमली लिखा हुआ है, कर्ड है तो दही। तो आप अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी दोनों आप इस तरह से मजबूत कर सकते हो और अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, सीबीएसई का हो या जेक का कोई भी स्टूडेंट हो। चींटी का डंक, सेब, अमरूद, आंवला इत्यादि, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सब में एसिड मौजूद होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या एसिड सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में होता है? जी नहीं, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, तो इन सॉलिड सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यानी कि ठोस में सिट्रिक, टार्टरिक और लैक्टिक, वही हिंदी में होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि सॉलिड क्या हो गया, तो अब सॉलिड साइट्रिक एसिड है, तो साइट्रिक एसिड कौन से चीज में पाया जाता है, टार्टरिक कौन से चीज में पाया जाता है, लैक्टिक कैसे पाया जाता है, तो वन बाय वन इसके हम एक चार्ट के हेल्प से यानी एक टेबल में आपको बताऊंगा कि किस चीज में किसके सोर्स हैं और किस कौन सा एसिड, कौन सा सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं बात करूं लिक्विड फॉर्म में, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हिंदी में भी वही है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म में होता है, कब, जिसे जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि गैस के रूप में हाइड्रोजन के अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक जलीय विलयन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने समझ गया हो। लेकिन अब इस एसिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एसिड को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स यानी स्रोत के आधार पे। अभी मैं आगे और भी इसे बांटेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझते हैं किसके आधार पे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पे। पहला किस्म होगा ऑर्गेनिक और नेचुरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। दूसरा मेरा है खनिज अम्ल, जिसे मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड क्या है, नहीं है, उसके बारे में वन बाय वन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब जो मेरा यहाँ पे कार्बनिक अम्ल है यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है, वह आपको नेचुरली, ये नेचुरल से प्राप्त होता है, प्रकृति में ही पाया जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ, प्रकृति कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एनिमल्स और प्लांट से पाए जाते हैं। तो एनिमल यानी बहुत सारे विभिन्न जितने प्लांट और एनिमल है उन सबसे ही सब प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक या फिर नेचुरल एसिड भी बोलते हैं। अब है एस्कॉर्बिक एसिड, इज फाउंड इन आंवला, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, व्हिच कॉमनली नोन एज विटामिन सी। आंवला या खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा,
में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और उस एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी भी कहते हैं। इसके मतलब यहाँ ये हुआ बच्चों कि जो आपके नींबू हैं, संतरे हैं, जब किसी का विटामिन सी की कमी हो जाए तो वहां पे ये सब आप दे सकते हो तो उसके विटामिन सी उनके बॉडी में इम्प्रूव होगा, यानी उसमें सुधार होगा। अब जो ऑर्गेनिक एसिड है वह कमजोर होता है, कमजोर के मतलब भी कहने का मतलब क्या, उसके ज्यादा ये स्ट्रोंग नहीं होता। अगर स्ट्रोंग होता तो जैसे हम लोग सेवन करते हैं खट्टे चीज, तो वैसे हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये मुझे मेरे लिए लाभदायक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वीक एसिड। और ये खाने के बाद कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, इसे नॉट हार्मफुल आफ्टर ईटिंग। यानी हिंदी में बोले तो कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, इसके खाने के बाद किसी तरह के कोई हानिकारक नहीं होता, यानी कोई भी हानि नहीं पहुंचता है। तो ये आप ऑर्गेनिक एसिड यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं खनिज अम्ल का, यानी कि मिनरल एसिड का। जो मिनरल एसिड है बच्चों वो आर्टिफिशियल एसिड है, यानी कृत्रिम अम्ल है, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए इसे लेबोरेटरी एसिड के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या है, खनिज अम्ल का उदाहरण है। और ये सब है इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं मैं प्रयोग के आधार पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन क्लीनिंग किचन सिंक्स, किचन के में जो आप सिंक होता है, जैसे बर्तन वगैरह हाथ वगैरह धोने के लिए जो होते हैं उसमें, उसे सिंक बोलते हैं, उसे साफ करने के लिए जैसे गंदे हो जाने के बाद, बाथरूम सैनिटवेयर के लिए, सैनिटवेयर बाथरूम सैनिटवेयर में जैसे आप जानते हो कि जो बाथरूम में बेसिन लगे होते हैं या फिर टॉयलेट सीट होते हैं, तो उन सभी जगह को जो साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। अब आगे अगर बात करें और भी, तो अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है वह कार, बसेस, ट्रक, इन्वर्टर्स, इन सब में प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाहन देखते हैं उसमें जितने पानी, बोलते ना कि पानी भरा बच्चा, वो पानी नहीं होता है, एक्चुअली वह एसिड होता है। और एसिड में कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का दो प्रयोग बताओ, उसका क्या दो प्रयोग है, तो आप मुझे बता सकते हो। और एग्जाम में अगर आपसे आ जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का दो प्रयोग लिखें, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, कि उसका प्रयोग कार, बस, ट्रक, इन्वर्टर, इस सब में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो बच्चों प्रयोग किया जाता है वो सुनार लोग करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो सोना चांदी यानी आभूषण के जो काम करते हैं, उन आभूषणों को साफ करने के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब है कॉन्क जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उसे कॉन्क एसिड भी बोला जाता है, जो काफी डेंजरस होते हैं। इट कैन बर्न हैंड एंड क्लोथ, वह कपड़ों को और हाथों को जला सकते हैं। यानी कहने का सीधा अर्थ ये हुआ, कॉन्क एक यहाँ पे कंसंट्रेटेड और दूसरा हिंदी में होता है डायलूट। तो कंसंट्रेटेड और डायलूट, यानी कि हिंदी में बोले तो कंसंट्रेटेड के हिंदी होता है सांद्र। यानी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सांद्र लिखा हुआ है ना, ये सांद्र अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं। तो सांद्र के मतलब कि गाढ़ा बोल सकते हो, अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो कि गाढ़ा, और डायलूट के मतलब पतला, यानी डायलूट का हिंदी होता है तनु। आपको आगे जाके मिलेगा तनु, तो आप समझ जाना कि जो पतला होगा। यानी कि जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जब आप शरबत बना रहे हो और उसमें जितना भी मिठास है और उस जो उस मिठास में से यानी कि जो शरबत है उसमें मिठास है और उसमें अगर पानी और मिला देते तो क्या वो मिठास उसे कम होता जाता है ना। जैसे मिठास कम हो जाता है तो उस सोल्यूशन को, मिठास कम होने के बाद पानी डालने के बाद जो सोल्यूशन बना है जिसे मिठास कम हो गया है उसे आप बोल सकते हो कि डायलूट सोल्यूशन। यानी कि तनु शरबत बोल सकते हो या तनु विलयन बोल सकते हो, और जो शुरू में था जितना मिठास था शुरू में वो आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इसी तरह से बोल सकते हो जो गाढ़ा है लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो, वो कंसंट्रेटेड हो गया, डायलूट के मतलब आपका तनु हो गया, ठीक है।
अब समझते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि कौन सा पदार्थ में कौन कौन से यानी कि कौन सा सोर्स में कौन सा एसिड पाए जाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आप देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट में है मेरा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड विनेगर यानी कि आप लिखते भी जा सकते हैं, विनेगर मतलब सिरका, सिरका में क्या पाया जाता है एसिटिक एसिड। लेमन ऑरेंज यानी कि नींबू संतरा ये सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कर्ड दही या खट्टे दूध में आपके लैक्टिक एसिड। टेमरिंड मतलब कि इमली कच्चे आम ये समय टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आंवला ऑरेंज ऑनियन ये समय आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल रोहू बर्फ, रोहू बर्फ का हिंदी एग्जैक्ट वही होता है हिंदी में भी, इसके यानी इंग्लिश में जो है वही हिंदी में भी होता है। बीट के मतलब चुकंदर। टमाटो आपका टमाटर हो गया। ग्वाभा आपका अमरूद हो गया। तो इस तरह से आप ये सब में क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद एप्पल बनाना और बेरी ये सब में आपका मौलिक एसिड पाया जाता है यानी मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद एंट स्टिंग नेटल स्टिंग हनी बी स्टिंग यानी कि चींटी का डंक हो गया या किसी या फिर आपको मधुमक्खी का डंक हो गया या कोई भी इंसेक्ट का जो डंक होते हैं जनरली उसमें आपका मेथानोइक एसिड वो आपके मेथानोइक एसिड यानी कि मेथानोइक अम्ल है जो आपका यूपीएक नाम है IUPAC नाम है केमिस्ट्री के अनुसार जो आप एसिड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर में आप पढ़ोगे मैं इसके बारे में यूपीएक नेम और इसका कॉमन नेम क्या क्या है और उसी का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। अब बच्चों बटर है तो बटर में आपका ब्यूट्रिक या ब्यूटोनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद फैट वसा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आप रिमेम्बर कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए यहाँ से सीधा पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर इन फ्यूचर प्रिपरेशन करते हो चाहे आप SSC का करो या फिर आप कोई भी डिफेंस में करो चाहे डिफेंस में CPO करो या नेवी का करो एयरफोर्स का करो या अन्य किसी के भी करो तो उनमें इसमें से सवाल बन सकते हैं। तो आप इसे रिमेम्बर करें और हमेशा के लिए याद रखें। और बाकी आप 10th के बाद अगर डिप्लोमा या फिर ITI अगर कोई फॉर्म डालते हैं तो उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं और इस पे सवाल बनते हैं और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी ये इस पे सवाल बनता है। जैसे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये झारखंड बोर्ड यानी कि जेक बोर्ड 2018 में पूछा गया। और भी ये हैं जो लास्ट में क्वेश्चन है जिसको मैं अभी कम्प्लीटली अरेंज नहीं कर पाया हूँ लेकिन मैं लास्ट में पूरा ये सेट बना हुआ है लास्ट में दिखा दूंगी कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इस पे सीधा सवाल आया हुआ है तो आप यहां से कर सकते हो अपने कंप्लीट। ठीक है अब आगे बच्चों अब इसी जितने भी आपने पढ़ा एसिड उन सब एसिड को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक अच्छा बांटेंगे किसके आधार पे उनके स्ट्रेंथ के आधार पे बांटेंगे। तो उसके स्ट्रेंथ के आधार पे यानी कि उसके प्रबलता के आधार पे बांटेंगे शक्ति के आधार पे बांटेंगे। तो दो पार्ट में होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों और एक होगा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल वीक में आपके एसिटिक फॉर्मिक साइट्रिक टार्टरिक और कार्बोनिक इस भी आपके होते हैं। तो ये आपके यहां तक ये आपका हो गया एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं बेस क्या है यानी बेस क्षारक इसके बारे में समझते हैं। क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया और क्षारक का दूसरा नाम है अल्कली भी कहते हैं यानी बेस को क्या कहते हैं बच्चों अल्कली भी कहते हैं। और जो अल्कली है वह ड्राइव किया गया है अल्क्यूली से ये ड्राइव किया गया है जिसका सीधा अर्थ होता है बच्चों यानी ये अरबिक वर्ड है जिसका एक अरबिक वर्ड अल्क्यूली इसके जिसका मतलब होता है आश ऑफ प्लांट यानी कि पौधे का राख होता है जो स्वाद में कैसा होता है बच्चों लोग कड़वा कैसा होता है कड़वा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर सोल्टी मत लिखना आप लोग स्वाद में ठीक है ये सोल्टी मत लिखना सोल्टी गलत मिसप्रिंट है यहाँ पे इट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब यहाँ कड़वा बोल सकते हो यह स्वाद में खारा और कड़वा होता है आने की यहाँ सवाल में खारा के मतलब होता है मृदु 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 हिंदी में बोले तो। अब उसके बाद है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
एंड यू वॉच के ओ एच, जो इसके मैंने पहले भी नाम लिया था, ये सभी है इसके एग्जाम्पल में बेस का। अब जितने भी बच्चों लोग क्षार होते हैं या ऑल दीज अल्कलीज आर सोलोबल इन वाटर, ये सब जो एग्जाम्पल में देख पा रहे हो वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, इन सभी जितने भी अभी मैंने किया ये सभी आपके वाटर में सोलूबल होते हैं, यानी सोलूबल इन वाटर, ठीक है, यानी जल में घुलनशील होते हैं। अब ये इसी को जो जल में घुलनशील है इसी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इसके स्ट्रेंथ के आधार पे। तो बच्चों क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या मिलेगा, वीक एसिड मिलेगा, सॉरी बेस मिलेगा। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड में हिंदी यहाँ नहीं लिखा हूं लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य OH, तो ये सभी आपके वीक और स्ट्रॉन्ग लिखे हुए। तो इसमें कोई टेक्निकल टर्म ऐसा नहीं है समझाने वाला, तो ये बिल्कुल आप समझ जाओगे, ठीक है। ये लिस्ट बना लेना जो जो ये आपका वीक है और लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर नीचे भी इसका एक कॉलम है बच्चों, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये वीक एसिड के ये सब एग्जाम्पल हुए नीचे वाले। अब बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट में अंतर क्या है। इट्स टेस्ट इज सॉर, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इसका क्या होता है, खारा आने की कड़वा होता है। और ये नीले लिटमस पत्र को ब्लू कर, बच्चों लोग एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसे भी थोड़ी देर के बाद बताता हूं जब मैं आपको इन आने की इंडिकेटर यानी सूचक पढ़ा लेता हूं, उसके बाद में एसिड और बेस का अंतर बताऊं तो ज्यादा आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अब पहले इंडिकेटर समझ जाते हैं, इंडिकेटर क्या है बच्चों। इंडिकेटर एक पदार्थ है जो कलर में अपना चेंजिंग ला करके, यानी कलर में क्या करता है, अपने परिवर्तन ला करके ये बताता है कि पदार्थ आपका अम्लीय है या क्षारीय है अथवा उदासीन है। तो इन सबको पता करने के लिए यानी कि ये क्या डिटरमाइन करता है, एसिड बेस और सॉल्ट को। तो एसिड बेस और सॉल्ट को अपने कलर में चेंजिंग करके जो पता करता है उसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। वही आपके हिंदी में पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ, सूचक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लता अथवा क्षारीय अथवा उदासीनता होने का सूचना देता है। तो सूचक का प्रयोग अम्ल क्षार को ज्ञात करने के लिए, ये भी बता दिया, इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस। अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कलर में अपने रंग में परिवर्तन ला करके ये अम्लता और क्षारकता क्षारीय या फिर उदासीनता बताता है। तो मानकर चलो कि कोई सॉल्यूशन है और उसमें एक ही इंडिकेटर या सूचक को डालते हो तो कैसे पता चलेगा, तो इसके मतलब है कि उससे कलर अलग अलग हो जाता होगा तभी वहां से पता चलेगा। तो कौन सा कलर से कैसे पता चलेगा वो चीज मैं आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए अभी इंडिकेटर समझते हैं। इंडिकेटर को अलग अलग रंग देता है जब उसे एसिड और बेस में डालते हैं। इंडिकेटर को हम दो भाग में बांट सकते हैं, उसकी किसके आधार पर बच्चों, इंडिकेटर को हम उसके टाइप्स के आधार दो टाइप्स में बांट सकते हैं, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक रेड, कैबेज लीव्स, हाइड्रोजीनिया पेटूनिया, जर्मेनियम, रेड टर्निप, वीट और रूट, यानी ये सभी हैं, ये सब मेरे क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे हिंदी में उसके जो मैंने ऊपर में लिखा है ये सब उसके हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ, लिटमस पत्र हो गया, चाइना रोज हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रोजेनिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जर्मेनियम, लाल सलगम, ये सब जो आपके हैं वो सब प्राकृतिक सूचक है। और जबकि आपका फिनोफ्थैलिन यानी और मिथाइल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज को बोलते हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ये आपके कृत्रिम सूचक है, ठीक है, ये सभी क्या है, कृत्रिम सूचक। अब एक बात बच्चों इसके मतलब ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये सभी मेरे इंडिकेटर के जैसा प्रयोग होता है जो आपके क्या है, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिटमस पत्र को, किसका, लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर, पत्र के मतलब लेटर नहीं बच्चों, यहाँ आपका जो पेपर, पेपर के मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पेपर यहाँ कौन सा है, कोई भी पेपर, सफेद कलर का कागज है, सफेद जो आप कॉपी वाला है, जैसे आप कॉपी में लिखते हो उसी पेपर को मान लो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है अगर उसमें डाल देते हैं, उसे निकाल देते हैं तो वो फिर वो क्या बन जाता है, लिटमस पेपर के नाम से दे देते हैं। जैसे मैं आपको लिटमस के बारे में नीचे समझाता हूँ,
अब यहाँ लिटमस इज ये नेचुरल इंडिकेटर, इट सोल्यूशन इज पर्पल इन कलर विच ऑब्टेन फ्रॉम लीचिन प्लांट। आने के लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता, अच्छा इसका कलर क्या होता है, बैगनी कलर का होता है और लीचिन का एक पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों इनसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीचिन होना चाहिए। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो लिटमस है उसका अपना यानी नेचुरल कलर क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा, पर्पल कलर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझ गए होंगे। तो लिटमस ये आपका यहाँ पे हो गया। अच्छा तो अब लिटमस पेपर कैसे बनता है वो चीज आपको मैं समझा देता हूँ। बच्चों जैसे अभी ये बैग निकला है और मैं आपका पास जो कॉपी है उसका कुछ यानी कि एक थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ करके पेपर को उसमें आप इसमें डुबो देते हैं फिर निकाल देते हैं तो पेपर क्या होगा, सूख जाएगा। और बैंगनी कलर है तो पेपर जो आपका सफेद कलर में था वह कैसा कलर हो जाएगा, बैंगनी कलर में हो जाएगा। तो जब वो बैंगनी कलर में होगा तो उसी को क्या बोल सकते हैं, मतलब लिटमस पेपर बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन है, अब यहाँ से एक मन में होगा कि सर ये अगर पौधा से प्राप्त किया जा रहा है तो क्या ये आपका एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल है। तो अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ना ये एसिड है ना ही ये बेस है, अर्थात ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, उदासीन है। ना ये बेस होता है ना ये आपका एसिड होता है, यानी लिटमस पेपर ना ही अम्ल ना ही क्षारीय, अर्थात क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता तब तो ये दूसरे साथ रिएक्ट कर पाता है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इसे अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो लाल रंग का हो जाता है। अभी आपने पढ़ा कि लिटमस पेपर का जो रंग होता है वह पर्पल होता है, कैसे कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है। और पर्पल कलर है और वो जिसे हम एसिड में जैसे डालते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, रंग लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। जबकि उसी को क्षारीय विलयन में डालते हैं, क्षारीय विलयन में बच्चों डालते हैं तो वैसे कैसा कलर में होता है, नीला रंग हो जाता है, यानी कि नीला के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू कलर में हो जाता है, यानी कि ब्लू कलर में हो जाता है। तो आप यहां से एक बात समझ सकते हो कि बी फोर बेस एंड बी फोर ब्लू, यानी कि बेस में डालेंगे तो कलर ब्लू हो जाएगा। तो रिमेम्बर आप रख सकते हो कि ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक है, अब है इन दिस वे लिटमस पेपर कैन डिवाइड इन टू पार्ट। इस तरह से हम लिटमस पेपर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये एक्चुअली हो इसके कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़े वो हर स्टेप को मैं आपको समझाते चले जा रहा हूं। ठीक है, और जितने भी एक है आपके एनसीईआरटी बेस्ट है, बाकी आप कोई भी बुक नहीं भी पढ़ते तो भी आपका टोटल चीज यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो आप देख पा रहे हैं अगर आप नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दिस अभी आप समझें, सिर्फ अभी आप समझें और स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद वन बाय वन आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कॉपी आप नोट डाउन कर लेना, नहीं तो फिर आप पीडीएफ, अभी आप पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया आपका, आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर देना, जैसे ये नंबर यहाँ पे है लिखा हुआ इसमें भी आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब है आगे दो तरह से होता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड वाइल द लिटमस पेपर। अब यहां पर बस समझते हैं कि जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो अम्ल होता है बच्चों, जो एसिड है वो नीला लिटमस पत्र को, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर है तो उसे किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। जो और जो आपका रेड में उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी बी फोर ब्लू और बी फोर बेस। ये मैंने समझाया था, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद चाइना रोज इंडिकेटर, बच्चा चाइना रोज कुछ नहीं है, ये आप अपने घर के आसपास भी देखे होंगे। चाइना रोज एक प्राकृतिक सूचक है जिसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं। गुड़हल के मतलब बच्चों गुड़हल का फूल जो होते हैं ना, वही उसी को बोलते हैं चाइना रोज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, चाइना रोज। गुलाब वाला नहीं है यहाँ कि चाइना का गुलाब को चाइना रोज बोलते, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चाइना रोज का मतलब गुड़हल का जो फूल होता है,
अच्छा, गुड़हल का फूल आपको देखने से कैसा लगता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। हाँ, जब इसे ऐसे यानी कि जब इसे, अच्छा एक चीज जान रहे हो कि जो इसे कलर कैसा है, पिंक कलर में है, गुलाबी कलर में। और इस गुलाबी कलर को हम अगर एसिड में डुबोते हैं तो ये डीप पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीप पिंक, यानी कि गहरा गुलाबी कलर में हो जाता है, यानी कि हल्का गुलाबी तो और गहरा गुलाबी में बदल जाता है। लेकिन उसी को हम अगर छार में डालते यानी बेस में रखते हैं तो किस में बदल जाता है? ग्रीन में बदल जाता है। यानी कि समझाने के अर्थ ये हुआ यहां से कि चाइना रोज का भी कलर कैसा है बच्चों? पिंक है। पिंक से ग्रीन में बदलता है, पिंक से ग्रीन में बदलता है, तो समझ जाना कि वो क्या है? बेस है। और पिंक से आपका डीप पिंक में बदलता है तो समझ जाना वो क्या? एसिड है। इस तरह से चाइना रोज के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है मेरा टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर है, यह प्राकृतिक सूचक है। और जो इसका प्राकृतिक सूचक इस हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हल्दी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टर्मरिक को हल्दी कहते हैं, यह प्राकृतिक सूचक है। और इसका रंग कैसा होता है? येलो कलर में, पीला कलर में होता है। हाँ, लेकिन सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट जो टर्म है समझने जो वाला है वह है कि जब टर्मरिक टर्मरिक टर्न्स रेड कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जब क्षार को या फिर क्षार में अगर हल्का सा अगर हम टर्मरिक पेपर डालते हैं या विलियन डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? रंग इसका लाल कलर में हो जाता है। या फिर बच्चों आप अपने घर पे भी देख सकते हो कि जो सर्फ होता है ना, कपड़ा धोने वाला सर्फ, वो आपको बेसिक है नेचर में, ठीक है। और उस सर्फ हाथ में ले लेना और थोड़ा सा आप हल्दी भी ले लेना और उसे रगड़ना अपने हाथ में, तो आप देखोगे कि वो किसमें बदल जाएगा? रेड कलर में बदल जाएगा। या कपड़े पे देखते हो कि कभी खाना खाने के बाद या कभी पोछे ऊपर रुमाल वगैरह सफेद रुमाल में और आप साबुन से या सर्फ से धोते हो तो रेड कलर में आपको नजर आएगा। इसके मतलब क्या है? वो रिएक्ट कर गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब उसका अगर नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट में है फिनोफ्थेलिन। तो फिनोफ्थेलिन की बात करते हैं यहाँ पे। फिनोफ्थेलिन इज ऑफ्टन इंडिकेटर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसका आगे के बात पढ़ेंगे। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आने की अम्ल और क्षार के टाइट्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसका प्रयोग हुआ है जब इसे हम एसिडिक में डालते हैं, यानी कि फिनोफ्थेलिन को, जो मेरे ये फिनोफ्थेलिन है बच्चे, अगर इसे में अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर वो कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, कोई भी कलर नहीं होता कलरलेस। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, क्षारीय विलयन में डालते हैं, इसका कलर कैसे हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और एक चीज और यहाँ बच्चों कि जब इसे एसिड में डालते हैं तो ये एच प्लस आयन क्या करता है? वह एच प्लस आयन डोनेट करता है, ठीक है, यह बनाता है। अब यहाँ बच्चों एक चीज अभी मैंने बोला था कि अभी बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो क्या बोला था? डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। उससे पहले समझाता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अब यहाँ पर समझ सकते हो, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि बी फोर बेस और बी फोर ब्लू ये कर देता है। उसके बाद आपका है यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेथिल ऑरेंज है, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कर देता है। जबकि जो बेस है वो मिथाइल ऑरेंज को पीला कलर में कर देता है। जो आपका एसिड है में अगर हम डालते हैं इसे तो ये एच प्लस आयन देता है, और जब इसे बेस में डालते हैं OH आयन देता है। जब इसे क्षारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, और इसे जब बेस के साथ करवाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जो एसिड का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, लेकिन बेस है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या है क्या नहीं है वो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे उसको मैं कंप्लीटली इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो धन्यवाद बच्चों यहां तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा वो भी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस लॉकडाउन के स्थिति में अपने आसपास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अब एक शेयर करो ताकि वो घर पर रह करके पढ़ पाए, क्योंकि अभी आप जानते हो कि स्कूल अभी सभी बंद है, ठीक है।
आपके हल्की सी एक शेयर, हल्का सा एक मेहनत से बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। आप घर पे रह करके पढ़ें, मेहनत करें, बाकी अन्य अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो मैंने नंबर आपको सुनो बताया था उस नंबर पे आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद। अब समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अभी जो आपने पढ़ा कि अम्ल और क्षार क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म क्या है, अब HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH NOH CO, तो ये सब जितने भी हैं विलयन, इसके सब सॉल्यूशन, तो अब लाल लिटमस विलयन में डालते तब क्या होगा, नीला लिटमस विलयन में डालेंगे तब क्या होगा, फिनोफ्थैलिन में डालेंगे तब क्या होगा, मैथिल ऑरेंज में डालेंगे विलयन में तो क्या होगा, ये सभी चीज लिखे हुए हैं। जैसे HCl डालेंगे लाल लिटमस पत्र में तो कुछ भी नहीं होगा, नीला लिटमस पत्र, HCl को नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जबकि हम इसमें फिनोफ्थैलिन में डालेंगे, जो फिनोफ्थैलिन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, अगर इसमें डालेंगे इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैथिल ऑरेंज के जो कलर अपने आप में क्या होता है, नारंगी होता है, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से H2SO4 लाल लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीला लिटमस पत्र पर क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्यों नहीं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इसमें क्यों नहीं होता है, तो ये आपको सच पता है कि जब जो ये एसिड है वो नीला लिटमस पत्र से में डालते हैं तब वो रेड में कन्वर्ट करता है, जो इसके पहले मैंने आपको टेबल में बताया था, ठीक है। और ये कन्वर्ट जिसमें कर रहा है, इसके मतलब ये सभी के सभी क्या है, बेस है, ये सभी के सभी क्या है, बेस है। आने के कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां मेरे ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एसिड का हो गए, और यहां से यहां जो ये मेरे हैं वो किसके हैं, बेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से और इस टेबल से आपके कोई एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं बनते हैं, तो आपको ये टेबल बनाओगे तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत इसे नहीं है, ठीक है। और एक और लाइन कुछ लिखा हुआ है उसे भी समझा देता हूं। कुछ ऐसी पदार्थ जिनका गंध अम्ल अथवा क्षारीय माध्यम से बदल जाते, इस प्रकार पदार्थ के गंध को सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, वेनिला, लौंग का तेल इत्यादि। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो नोट ऑन कर सकते हो, अगर ना करो तो कोई दिक्कत वैसा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। एक चीज और है, समझते हैं थोड़ा सा, कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों, कि जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन नहीं बनाते हैं। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया कोई बात नहीं, यानी कि जब जल को अम्ल में डालते हैं तो H प्लस आयन बनाते हैं, जो शायद मैंने टेबल में बताया था अभी। लेकिन जल के जब अनुपस्थित, जब जल रहेगा ही नहीं तो H प्लस आयन नहीं बनाएगा, जब नहीं बनाएगा तो वह अम्लीय नहीं होता है, और इसलिए यही इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ लिख दिया गया है, आगे समझ सकते हो। उसके बाद है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब बच्चों सीधा सा मतलब यहाँ है कि एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ, तो क्या होता है और क्या नहीं होता है वो समझते हैं। सबसे पहले वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ है एसिड एंड बेस, जो अम्ल है, यानी कि जब अम्ल या फिर बोल सकते हो कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन की विस्थापित कर देता है, यानी कि जब अम्ल में जब धातु के पाउडर के रूप में या फिर उसके टुकड़े के रूप में या डायरेक्टली अलग अलग धातु से अलग अलग तरीके से रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए भी अगर उसके साथ हम डालते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका हाइड्रोजन है उसे क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। कैसे करता है आगे मैं पढ़ूंगा बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए समझते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस जनरल सेंटेंस बोलूं सभी के लिए, जितने भी हैं आपके उन सभी के लिए, तो यहां से बता सकता हूं, समझ सकते हो कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल और क्षार को एक सेकेंड बच्चों, अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि एसिड हो या बेस हो,
जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है एसिड या बेस किसी के साथ भी एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वह आपका सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसके एग्जांपल समझते हैं क्या क्या है वन बाय वन, ठीक है। अब पहला एग्जांपल है बच्चों यहां पे, अब व्हेन ए पीस ऑफ जिंक इज एडेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म, यानी कि जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी कि जो जिंक का टुकड़ा होता है उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर डाल देते हैं तो जो वो सोल्यूशन बनता है वो कैसे बन जाता है, जिंक सल्फेट का हो जाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ में साथ क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है द मेटल एट द बिलो ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी कि धातु की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु यानी कि सक्रियता श्रेणी के बारे में बताऊंगा आपके इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा सक्रियता श्रेणी। तो फिलहाल के लिए भी समझें सीयू एच जी ए जी ए यू पी टी जो कॉपर हो गया मरकरी हो गया सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया प्लेटिनम हो गया ये सभी हैं जो मेटल वो आपके हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं वही आपसे यहाँ बताना चाह रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर कुछ भी नहीं समझे तो एक बात आप समझ लें अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है जडन जडन के जगह पर यू ले लू एच जी ले लू ए जी ले लू ए यू ले लू या पी टी ले लू ये सभी को ले लेता हूं तो ये सभी के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा वही यह सेंटेंस आपसे बताना या कहना या समझाना चाह रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस यही आपसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके घोल में यानी NaOH के घोल में जिंक के दानेदार टुकड़े को अगर डालते हैं और गर्म कर देते हैं यानी एक आप बीकर ले लो बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो और उस सोल्यूशन को अगर हमें जिंक को डाल करके गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद गैस है वो बुलबुले का निर्माण होने लगता है और फटाफट आने की जैसे देखते हो कि जब आप कुछ सरसों वगैरह कुछ डाल देते दानेदार चीज तो फटफट का आवाज आता है उसी तरह से इसमें भी फटफट का आवाज आने लगता है और अच्छा फटफट का जो आवाज है उसी से पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है निकल रहा है तो यही इसका इंडिकेशन है हाइड्रोजन गैस का निकलने का, ठीक है। उसके बाद लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं होता है लेकिन ये कंडीशन है बच्चों कि लेकिन जो ये अभिक्रिया वो सभी धातु के साथ संभव नहीं होता है एल्युमिनियम और जो टिन के साथ क्षारक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है और जो एल्युमिनियम और जो टिन ऐसन है उसके साथ क्षारक अभी किसी पढ़ाई बात बता रहा था मैं अम्ल यहाँ एच टू सो फोर NaOH ये क्षारक है अभी अगर ये एल्युमिनियम और ये टिन के साथ अगर क्षारक अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है उसी का एग्जाम्पल आपका इसमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों यहां तक आप समझ गए होंगे। आपसे एक सवाल है कि दही एवं खट्टे पदार्थ धातु के बर्तन में क्यों नहीं खानी चाहिए, ये आपसे पिछले बार या फिर कोई साल आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जेक बोर्ड के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों कि दही एवं खट्टे पदार्थ में पाया जाता है हाँ बच्चों दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है अम्ल पाया जाता है और अम्ल है वो धातु के साथ यानी उस जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है और वह क्या होता है विषैला होता है पॉइजनस होता है जो खाने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है बच्चों। अब समझते हैं आगे यानी कि मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है अम्ल के साथ तो क्या होता है उसके बारे में आप समझते हैं वन बाय वन, ठीक है बच्चों।
अब यहां पे है सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन सॉरी संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहां से बच्चों एक बात आप समझ गए होंगे कि जब धातु कार्बोनेट हो क्या हो धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो वह अम्ल के साथ अगर रिएक्शन किसी साथ रिएक्शन करता अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वो लवण बनाता है और लवण के साथ 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 क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। आने के सीधा अगर इस टॉपिक पे बात करूं यानी कि मिथाइल कार्बोनेट और मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का तो ये ऐसी रिएक्शन करके क्या करता है तो इसे सीधा बोल सकते हो ये लवण कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। अब इसके साथ कुछ एग्जांपल देखते हैं अम्ल का कुछ एग्जांपल में HCl ले लेते हैं जिसे कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 यानी ये मेरा सोडियम कार्बोनेट हुआ ये मेरा S के मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्योंकि मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन में है HCl को यानी कि HCl में जो Na2CO3 को डालते हैं तो NaCl यानी कि लवण बन गया जो एक्वस में होता है लवण के मतलब ये नहीं कि नमक हम खाने हैं उस फॉर्म में ये अभी विलयन के फॉर्म में है विलयन के मतलब यहां ये एक्वस जलीय विलयन यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में है साथ ही साथ जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में यानी कि जैसे भी मानकर चलो कि वीकर है जिसमें आपका HCl डाला हो उसमें आप Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को डालते हो तो वैसे आपका वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे क्या करता है वीकर से बाहर निकलना शुरू कर जाता है और H2O और NaCl का निर्माण होता है। ठीक है अब दूसरा एग्जाम्पल समझाऊं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी क्या था सोडियम कार्बोनेट अब यहां क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब यहाँ और यहाँ पे क्या देखा था आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ देख लिया तो आपने क्या पाया 2 NaCl H2O और CO2। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं तो क्या देखते हैं वो समझते हैं फिर आने पर सोडियम क्लोराइड के साथ जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है यानी कि जो वहां देखा था वो यहाँ पर भी है NaCO3 को 3 HCl साथ रिएक्शन करवा NaCl H2O और CO2 गैस का निर्माण होता है। बच्चों ये यहां तक तो बिल्कुल आपने समझ लिया होगा अब आगे एक पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप समझते जाए एग्जाम के व्यू से मैं लास्ट बता दूंगा कैसे सवाल आपसे बनेगा और कैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यानी कि चूने का पानी बच्चों जो आप देखते हो कि जो चूना जो पुताई वगैरह घर के लिए रंग में रंगाई करने के लिए काम किया जाता है वही चूने पानी को यानी कि चूने पानी के मतलब वो चूने को जब आप डाल देते हो पानी में तो जो उसका विलयन है घोल है उस और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करते हैं यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अगर हम देते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के तो उसमें प्रभावित करने के कारण क्या होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है यानी कि जैसे डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसे पानी का रंग क्या हो जाता है दुधिया हो जाता है दुधिया के मतलब बच्चों क्या हो जाता है सफेद कलर में हो जाता है। लेकिन एक शर्त है बच्चों जो आपको समझना बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड डालते तो हैं गैस प्रभावित तो करते हैं लेकिन यहाँ लिमिट में करते हैं लेकिन क्या बोला कि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर अभी क्या बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं गैस को लेकिन यह एक्सेस में अगर हम अधिक मात्रा में कर देते हैं तो वह मेरा कैल्शियम हाइड्रोकार्बन का दूधिया रंग जो सफेद कलर है वह क्या हो जाता है गायब हो जाता है। लेकिन बच्चों जो बनता है वो क्या बनता है CaHCO3O2 बनता है और उसी को हम पुनः यानी कि आप देख सकते हैं कि CaHCO3O2 यानी यही यहां पर भी है और उसी को हम उसको फिर से हम क्या कर देते हैं घोल को गर्म कर देते हैं यानी कि जो घोल बन गया है उसे फिर से अगर गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद जल H2O जो लिक्विड फॉर्म में और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निर्माण होता है और इस तरह से जो उसका घोल को गर्म करते हैं और इस तरह से वह फिर अपना कलर में आ जाता है।
ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अब नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बुदबुदाहट उत्पन्न करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, इसलिए उसे गैस समीप ले जाने पर अनुमति ले जाने पर बुझ जाता है सीधा। बच्चों ये आपका शायद एक एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी में आपको यहाँ बोला जा सकता है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आपसे क्या आंसर होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के साथ H2O और CO2 गैस बनता है और इसके समीप में मोमबत्ती, बच्चों जब रिएक्शन होता है उसके सामने अगर जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है और इसके वजह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। अब है एसिड बेस रिएक्शन, यानी अम्ल और क्षार को रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है बच्चों। हाँ, अब है नेक्स्ट आपका एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या है बच्चों, यानी कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है, यानी कि आपको मैं जब इंट्रोडक्शन बता रहा था एसिड बेस का उसी टाइम बता दिया था कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अम्ल पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहां से आके अगर मैं आपको एग्जाम के व्यू से बताऊं तो आपके एग्जाम के व्यू से क्या पूछा जाएगा, और ये आपके दो नंबर के सवाल में आ सकते हैं कि उदासनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दें। अगर उदाहरण नहीं भी पूछा है और दो नंबर का सवाल है तो आपका एक ये एक लाइन का ये डिफिनेशन और इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपको बनता है, नहीं तो आप कम से कम दो एग्जाम्पल लिखे तो बेहतर है, लेकिन कम से कम एनी हाउ एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी आपकी कोई भी रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया पूछे तो उस अभिक्रिया से रिलेटेड एक आपका रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तीन रिएक्शन यहाँ पे आपका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मतलब क्या है स्टूडेंट्स बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, अभी बताया था कि तनु के मतलब क्या होता है, डाइल्यूट होता है ना, जो पतला होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, गाढ़ा यानी कि सांद्र होता है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें अगर हम डाल देते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जल का निर्माण होता है, जल मतलब वाटर का फॉर्मेशन होता है NaOH HCl। अब AQ के मतलब क्या है बच्चों, AQ के मतलब एक्वस के हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, तो ये सभी जलीय विलयन में प्राप्त होते हैं, ये तो मेरा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है, अच्छा बोलोगे अम्ल कौन है क्षार कौन है बच्चों, अब यहाँ पे जो NaOH है वो अब मेरा क्षारक है यानी क्षार है, HCl वो आपका क्या है, अम्ल है, ठीक है, और NaCl यहाँ पे लवण है और H2O जल का निर्माण, तो जल तो यहाँ पर नहीं रहा है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, अब फिर से देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड शुरू में भी था, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भी है, लेकिन अभी क्या किया, यानी कि मैं जो यहाँ बेस है, जो बेस है उसको तो सेम ही रखा गया है, यहां पर दोनों को क्या है, ये सेम है, लेकिन अब देखें कि एक में आपका जो एसिड है वह क्या डाला गया था, जो एसिड है वो HCl, और एक में डाला गया है आपका H2SO4 डाला गया है, ठीक है। जब H2SO4 डाला गया एक्वस में तब उसके साथ क्या बना रहा है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बना रहा है और जल का निर्माण कर रहा है, तो सीधा यहां से बोल सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एसिड अम्ल दोनों एक साथ हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट वरी, आप एक ही चीज लिखना, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड लिखना, अगर अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट के साथ जल का फिर निर्माण होता है बच्चों। अगर यही चीज क्लास में होता तो मैं उसमें इमेज बना बना के बताता कैसे होता नहीं होता है, फिर भी आप इमेजिन करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट तथा जल का निर्माण करता है, यानी अब देखो फिर वही चीज हम रखे क्षार के रूप में, अब उसके साथ हम बदल दिए हैं, क्या बदल दिए, एक बार लिए थे HCl, एक बार H2SO4, एक बार लिए थे, अब ले रहे हैं HNO3, यानी कि
हाइड्रोजन नाइट्रेट, और जब हाइड्रोजन नाइट्रेट को डालते हैं तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। तो आप एक तरह से आदर्श सकते हो कि जब उदाहरण सीकरण अभिक्रिया आपसे पूछे कि क्या है, तो बोल देना अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें आप हमेशा रखना कि जो भी मैं यहाँ पे लिया हूं, एक क्षार को बैलेंस रखा हूं और अम्ल को बदलते जा रहा हूं, अम्ल को बदलते जा रहा हूं, तो यहाँ आपका अम्ल एक बार HCl ले लिया, एक बार H2SO4, एक बार HNO3 ले लिया, और इससे सर रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके बने हैं वो आपको पता है। उसके बाद जब भी आप रिएक्शन लिखोगे एग्जाम के टाइम में, तो वो रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एग्जाम अगर 2 नंबर का तो 2 का 2 पूरा मिल सके, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, दूसरा है रिएक्शन, शायद आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अब आगे है बच्चों लोग, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, आने के रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, तो यहां से अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया, तो इसके साथ हम आप पढ़ते हैं, ये मेरा रहा। अब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के समान ही धातु ऑक्साइड अम्ल के अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, इसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। आने की मतलब ये हुआ कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के समान ही, जो अभी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़े थे ना, अभी क्या पढ़ा था आपने, उदासीकरण अभिक्रिया, इससे पहले क्या पढ़े थे तुरंत, उदासी करण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी तरह से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान ही ये धातु ऑक्साइड अम्ल की अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। यानी यहां पर भी बच्चों किसका निर्माण हो रहा है, अम्ल तथा जल तथा लवण का, तो इसके पहले भी क्या बनता था, लवण तथा जल बनता था, और अभी भी क्या बन रहा है, लवण तथा जल बन रहा है, लेकिन वहां क्या था, एसिड और बेसिस रिएक्शन, लेकिन अभी क्या धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड लिया गया है, देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, किसके साथ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है, तनु है यानी कि डाइल्यूट है, तो ये मेरा बन रहा है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण हो रहा है, जो कॉपर क्लोराइड है बच्चों ये मेरा यहाँ लवण है और H2 मेरे यहाँ क्या है, जल है। तो आपसे यहां से सवाल एक साधारण सा पूछा जा सकता है कि अम्ल के धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, क्या होता है, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछ बताओगे कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पे लवण तथा जल का निर्माण होता है, और उसके उदाहरण में एक लिख दोगे कि कॉपर, यही उदाहरण लिख दोगे कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे कॉपर क्लोराइड तथा जल का निर्माण, इतना रटने का काम नहीं करना, तो ये याद रखो कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ रिएक्शन करवा देंगे धातु ऑक्साइड, धातु मतलब जानते हैं कि कॉपर धातु है, तो धातु ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए, तो कोई भी ले सकते हैं, तो CuO ले लेना, और HCl के साथ रिएक्शन का तो CuCl2 और H2O का निर्माण होगा। तो ये आपके 2 नंबर के यहां से पूछे जा सकते हैं। अब है बच्चों आगे, अभी था मेटल के साथ, अब है नॉन मेटल के साथ, जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर बेस की रिएक्शन है तो क्या होगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका सीधा एग्जांपल पे आते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण करता है। आने कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ तो अभी देख पा रहे हैं कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है यानी CaOH2, अगर इसका हम रिएक्शन, ये मेरे एक्वस में लिया गया जलीय विलयन में, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और वो किस फॉर्म में प्राप्त होगा, सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होगा, और फिर H2 यानी जल लिक्विड में बनेगा। उसके बाद है सल्फर ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अभिक्रिया कराने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। यानी बच्चों सल्फर ऑक्साइड को जब लेते हैं, यानी सल्फर ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में
अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये हो गया नॉन मेटालिक केसर। और लेकिन सभी आधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति में नहीं होते हैं। जैसे बच्चों अब यहाँ पे एक बात है कि आधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, यानी कि अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, जैसे H2O। अब देखते हो कि जो जल है वो कोई भी नेचर नहीं होता, ना एसिड होता है, ना बेस होते हैं, ना सॉल्ट होते हैं, ये बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जब इसका पीएच स्केल पढ़ाऊंगा बच्चों तो वहां पे पता चलेगा कि किसमें कितना अम्लता है, किसमें कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, वो चीज आगे पता चलेगा। इसी तरह से NO हो गया, CO हो गया, N2O हो गया, ये सब क्या है, आधात्मिक ऑक्साइड है, जो उदासीन ऑक्साइड है। क्या एक तो आधात्मिक ऑक्साइड तो है लेकिन ये सब क्या उदासीन है, अर्थात ना ये अम्लीय है ना क्षारीय है। तो आपसे ये कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में ये आपके एकेडमिक में कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ये आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन से ऐसे आधात्मिक ऑक्साइड हैं जो आपके उदासीन ऑक्साइड हैं। तो ये चार ऑप्शन होगा, अगर देख लेना इनमें से जो होंगे उनमें टिक कर देना। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों आगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ के मतलब अगर मैं बात करूं आदमी का स्ट्रेंथ, उसमें आपका क्या होता है, ताकत की बात आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ताकत वाली बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो आपने एसिड और बेस पढ़ा है उसके अगर मैं ताकत की उसका स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसके यहाँ पे मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे है फर्स्ट में एसिड सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, तो आने की अम्ल और क्षार का प्रबलता। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसके मैंने पहले भी बताया था आपको, जब अम्लीय विलयन में H प्लस आयन मिलता है और क्षारीय विलयन में क्या मिलता है, OH आयन मिलता है। अब यहां पे समझते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आने की बच्चों कोई भी सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन यहाँ पे अभी H प्लस आयन की बात हो रहा है तो ये मैं एसिडिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कोई भी अम्लीय विलयन में जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के मतलब वो कितना कंसंट्रेटेड है उसके ज्ञात करने के लिए, मानकर चलो कि कितना वो सांद्र है उसे ज्ञात करने के लिए 1909 में यानी कि 1909 इसमें फ्रेंच वैज्ञानिक SPL सोरेनसेन ने एक स्केल का निर्माण किया डेवलप किया, जिसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पी बच्चों हमेशा स्मॉल होगा और एच कैपिटल होगा, ऐसा आप लोग मत समझना कि पी कैपिटल और एच स्मॉल, नहीं, पी स्मॉल एच कैपिटल होगा और इसे बोलते हैं पीएच स्केल। अब पी के मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पीएच में ये पीएच है, उसमें जो पी है उसके मतलब होता है इंग्लिश में प्रोटेंज, और प्रोटेंज एक सूचक है यानी जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पी फॉर बोल सकते हैं पावर। ठीक है, और H एक सूचक है जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। H के मतलब हाइड्रोजन, यानी P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो शक्ति है उसी से पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन में जो आयन है उसमें कितना शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे pH का मान, वो बच्चों जब pH स्केल बन गया, स्केल के मतलब क्या होता है, अब जो मापने वाला लेंथ को मापने वाला को स्केल बोलते हैं, तो उसी तरह बहुत सारे स्केल होते हैं। तो आपके पास जो भी स्केल, अगर मान लो 15 सेंटीमीटर वाला है या 30 सेंटीमीटर, उसमें एक है ना लिखा हुआ कि 0 से 15 तक है, 0 से 30 तक है, 0 से 100 तक है, तो ये अलग अलग होता है। लेकिन जो pH स्केल होते हैं बच्चों वो आपका 0 से 14 के बीच होता है। कहां से कहां होता है, 0 से 14 के बीच होता है, और pH स्केल होते हैं जब वैल्यू इसका 7 हो जाए, कितना हो जाए, पीएच का जब मान 7 होता है तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, उदासीनता एक्सप्रेस करता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्रेस करता है। और अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया बच्चों यहां पे कि अम्लीय
विलयन का पीएच मान, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। तो अब ये यहाँ पे आपका एक इमेज है, और इस इमेज के हेल्प से आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये मेरा इमेज बना हुआ है, जो अगर 7 पे इसका पीएच स्केल जब 7 हो तो समझ जाना कि ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल पे क्या होता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था वाटर होता है, इसके साथ अगर कोई अधातु ऑक्साइड भी पढ़े थे, H2O पढ़े थे, अणु पढ़े थे, CO2 N2O ये सभी पढ़ रखे हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं कि उदासीन में क्या होते हैं, कुछ नहीं हो, ऐसे भी हम लोग पढ़ रखे थे। उसके बाद अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसका अम्लीय मान 7 से कम हो, तो बच्चों यहाँ देखो कि जो ये 0 से 7 तक, 0 से जो 7 के अंदर हो वो आपके क्या होगा, एसिडिक होगा, और ये आपका 7 से लेकर के 14 के जो बीच में होगा वो आपका क्या होगा, बेसिक होगा। तो अब एक बच्चों मैं बोलूं कि मानकर चलो कि कोई भी अगर अम्लीय पदार्थ है जिसका पीएच वैल्यू 1 है और एक और है जिसका पीएच वैल्यू 5 है, तो अब किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके एसिडिक ज्यादा है, किसमें अम्लीयता अधिक है? तो बच्चों सीधा समझ जाना कि जिसमें वैल्यू कम होगा एसिडिक में, अम्लीय पदार्थ में जिसका वैल्यू सबसे कम क्या होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम वह सबसे अधिक अम्लीयता उसमें मौजूद है, उसमें एबिलिटी, मतलब यही आप कहना, ये साइन लगा हुआ है, वो साइन की हेल्प से आप समझ पाओगे। अब ये देख पा रहे हो कि एरो है, मतलब कि 7 से 0 की ओर जाओगे, 7 से 0 की ओर जाओगे तो आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह पदार्थ जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जिस आने की सड़ने का मतलब वो पीएच स्केल जितना कम, पीएच स्केल जितना कम उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन जस्ट उल्टा उसका होता है अल्कलाइन में, आने की अल्कलाइन के मतलब बेसिक में, जिसका वैल्यू जितना बड़ा, जिसका वैल्यू जितना बड़ा उतना उसका बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ मजबूत होता है, ठीक है। तो ये आप यहां से बिल्कुल समझ गए होंगे, लेकिन इस पे आपके सीधा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं वो चीज समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब यहां पर देख पा रहे होंगे आप कि पहला है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है, उदासीन विलयन ये 2019 जेक बोर्ड में आ चुका है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। अब 20 में नहीं आया तो किसमें आ सकता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है बच्चों, 7। ये तो आप यहां से समझ गए होंगे इसका पीएच मान कितना ज्यादा है। अब एक शीतल पे यानी एक कोल्ड ड्रिंक है जिसके पीएच मान 4 है, क्या है, पीएच मान 4 है, तो नीले और लाल लिटमस पत्र पर क्या क्या होगा, यानी आप बताओ। अब आपका काम है, आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि लिटमस पत्र को क्या होगा और नहीं होगा, जो टेबल बनाया था ना। अब ये क्या है शीतल पे, पीएच 4 है, पीएच 4 है इसके मतलब कि एसिडिक है, आपने नेचर में क्या है, ये जो पीएच 4 है वो क्या है, अपने स्ट्रेंथ में एसिडिक है, जब एसिडिक है तब क्या करेगा। अब लाल लिटमस पत्र भी है और नीले लिटमस पत्र भी है, दोनों में क्या होगा, वो आपके आंसर में यहां लिख दिया हूं, आप आराम से यहां समझ सकते हो। यानी कि शीतल पे पीएच मान 4 है जो 7 से कम है, अर्थात पे क्या है, अम्लीय है, एवं यह नीले लिटमस पत्र को लाल बना देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल बना देगा और लाल लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, लाल है, ठीक है बच्चों। यहां तक आपने उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा सा आगे और बताता हूँ, लेकिन जो अभी बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के व्यू से नहीं है, ये आपके नॉलेज के व्यू से, और ये नॉलेज आपका सिर्फ कॉम्पिटेटिव लेवल के अनुसार है। अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हो और आगे आप साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हो तो ये सब अभी थोड़ा सा अगर जानकारी रख ले तो आई थिंक फायदा होगा, बाकी ना ही भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपसे सवाल एग्जाम में सीधा नहीं बनेगा, यहाँ से जो बनेगा वो मैंने आपको यहाँ अभी तक बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है किसी विलयन का पीएच मान विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक 10 होती है। बच्चों अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ पाया तो मैं सीधा आपको समझा देता हूं कि अभी जिसका पीएच मान जो भी कुछ भी है तो उसका जो हमेशा नेगेटिव पावर में लेते हैं, और नेगेटिव पावर किसका होता है, 10 का, 10 के नेगेटिव पावर में उसका लेकर के हम उसके बताते हैं,
जैसे कि मानकर चलो कि किसी विलयन का पीएच मान उसके विलयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 ऋणात्मक घात होती है, तो लिखते ही बता दिया। लेकिन उदाहरण के अनुसार समझाता हूं, उदाहरण में क्या है आपका यहां पे उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन है अगर उसका पीएच मान कितना है 7 होता है, तो उसको हाइड्रोजन की सांद्रता के फॉर्म में क्या लिखेंगे 10^-7। मतलब सीधा अर्थ ये समझो कि जिसका जो पीएच का मान है उसको 10^-माइनस के फॉर्म में लिख देते हैं, वही उसका पीएच का मान हो गया आपका ऋणात्मक फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एक और बात है बच्चों, जब आपका मैंने बताया था कि अम्ल में एच प्लस आयन और आपका बेस में OH आयन मिलता है, और इन दोनों को जब बच्चों गुणनफल कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमेशा वैल्यू आपका 10^-14 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10^-14, ठीक है। तो बच्चों यहां से ये चीज बोल सकते हो कि जब किसी का वैल्यू पता है मुझे, मानकर चलो कि H प्लस आयन का वैल्यू पता है, तो OH माइनस आने के क्षारीय कितना है स्ट्रेंथ वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक क्षारीय विलयन है बच्चों जिसका हाइड्रोक्साइड का आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या हुआ है? वो क्षारीय विलयन में है और उसका OH का मान कितना 10^3 है। एम के बताना होता है बच्चों मोलर, जो आपने क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे मोलर, और इसलिए इस क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+1 की सांद्रता होगी। तो अब देखो बच्चों H+ की जगह पे H+ रख दिया, OH की जगह पे क्या वैल्यू यहां पे है, यहां पर आप देखते हो कि OH का वैल्यू 10^3 m दिया हुआ, मोलर में दिया हुआ, ठीक है। तो 10^3 m लग दिया OH के जगह पे, ये मैंने लिख दिया। देखो ये मेरा सेम का सेम यहां लिखा हुआ है ना, ये देखो सेम का सेम रख दिया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरा सेम का सेम यहां पे है, अब ये देखो कि 10^-14 ये यहां पर भी सेम का सेम है, ये सेम लिखा हुआ यहां पे, ये सेम लिखा हुआ है। तो अब यहां से एक बात समझ सकते हो कि अब मुझे क्या चाहिए यहां पे, H प्लस आयन का वैल्यू चाहिए। तो H प्लस आयन के लिए क्या होगा बच्चों, आप आराम से समझे। अब देखिए H प्लस आयन और 10^3 ये जो रिलेशन हो किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इसे हम डिवाइड में नीचे ले जा सकते हैं, तो 10^3 नीचे चला जाएगा, जब नीचे चल जाएगा तो ये ऊपर आकर के क्या हो जाएगा प्लस होगा, और जैसे प्लस होगा तो वैसे क्या कर देगा प्लस, अच्छी सॉरी यहाँ माइनस साइन लगा हुआ, लेकिन यहाँ भी प्लस हो गया, गलत हो गया, माइनस साइन नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन में 10^-3 था एग्जैक्टली, सॉल्यूशन सही था नीचे, ठीक है। अब समझते हैं कि 10^-3, तो 10^-3 यहाँ पर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होते नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो ये अब जानते हो बच्चों कि ये जब ऊपर जाएगा ऊपर की ओर, तो ये माइनस वाला क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस ये मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में जानते हो कि x^m × x^n हो तो x^m + n हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 10^-11 हो जाएगा, और जो 11 है अभी बताया था कि इसे किसके फॉर्म में लिखते हैं, अगर पीएच वैल्यू अगर 7 है इसमें हो 7 हो तो उसमें किसके लिखते हैं पावर के फॉर्म में लिखते हैं माइनस के, अगर ये माइनस में ऑलरेडी है तो इसका हम जो पीएच वैल्यू हुआ 11 होगा, 11 होगा, अगर 11 है तो क्या होगा एसिडी का बेस क्या होगा बेसिक होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे, बाकी अगर कोई टेंशन ना ले, ये आपके एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सवाल इस तरह से अभी नहीं पूछेंगे, ये कॉम्पिटेटिव में लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। पीएच पर आधारित आंकी प्रश्न को हल करने के लिए लॉग का भी वैल्यू लॉग का प्रयोग करते हैं लॉग सूत्र के द्वारा, और इस विलयन में हाइड्रोजन आयन को मोनो सांद्रता लॉग माइनस विलयन पीएच करते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं, जो समझा वही चीज भी है। अब है बच्चों आगे मुझे बताना, अब यहां पर मुझे बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, वो पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका सवाल यहां से बनता है, तो वो चीज पहले समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि पाचन तंत्र में पीएच का भूमिका क्या है, जब पेट में उधर आने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाता है निर्माण हो जाता है, तो उसमें लगभग पीएच मान कितना हो जाता है 1.4 होता है, जो पीएच मान 1.4 है मतलब बताया था कि एसिडिक में जितना वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो पीएच काफी ज्यादा दर्द होगा आपका पेट में और जलन का अनुभव होगा, और उस टाइम छुटकारा पाने के लिए क्या देते हैं एंटासिड देते हैं, यानी एंटासिड देते हैं जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, यानी आने की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या हुआ एंटासिड है,
ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी का दूसरा ये नाम हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बच्चों, इनका क्या काम है, पाचन तंत्र भूमिका क्या है, ये तो हो गया। कुत्ते के अमाशय में, जो कुत्ते के जो अमाशय है उसमें अधिक सांद्रता वाले हेलोक्लोरिक अम्ल बनता है, आने के कारण मतलब जो हमारे पीवी पेट में जो एसिड तो बनता ही है लेकिन हम लोग से भी ज्यादा कुत्ते के पेट में बनता है। इसलिए जब वो हड्डी खाते हैं, और हड्डी क्या होता है, बेस होता है, और उसे जब चबाते हैं तो चबाकर पचा भी लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देता है, और उस तरह से वो पचाने में वो सक्षम ज्यादा है हम लोग से। ठीक है, अब है मुंह में पीएच मान का परिवर्तन से दंत क्षय। अब बच्चों यहाँ पे एक सीधा मतलब है, आपको समझा देता हूं कि जिसका पीएच मान दांत का, आने के दांत की बात कर रहा हूं, तो दांत में है वो आप ये तब से हड्डी ही समझिए, तो दांत के जो ऊपरी परत है जिसे इनेमेल कहते हैं, जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फुल आने की केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हो CaPO4Hol2 से बना होता है। और एक आपके एग्जाम के व्यू से बात करूं कि वो भी पूछे आपसे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कौन सा ऐसा भाग है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, दांत का ऊपरी परत जिसे इनामेल कहते हैं, यानी कि दांत का भाग इनामेल, ये बोल सकते हो कि दांत का वो सबसे कठोर भाग होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो बॉन्ड होते हैं उसमें वो काफी मजबूत होते हैं, और इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों, 5.5 होता है, और इसके एनिमल संचरण में होने लगता है। ठीक है, अब है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। बच्चों जब लाल चींटी, बिरनी या मधुमक्खी आदि डंक मारता है, मैंने बताया था जब से डंक मारते हैं तो आपको कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड पाया जाता है, और उससे क्या होता है, दर्द और जलन सा अनुभव होता है। जब ये दर्द और अनुभव जलन सा अनुभव होता है, इसका कारण क्या है, मेथनोइक हो गया यहाँ पे, इसे फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि बच्चों फॉर्मिक अम्ल रक्त के साथ मिलकर, यानी जैसे वो डंक मारता है ना, तो डंक मारने के बाद वो रक्त के साथ यानी खून के साथ मिल जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो उसी कारण दर्द और जलन की अनुभूति होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और बच्चों यहाँ पे समझने वाला, बिच्छू बुट्टी ये बिच्छू नहीं है, काटने वाला बिच्छू नहीं है, जो इंसेक्ट वाला वो बिच्छू नहीं है, बिच्छू बुट्टी एक पौधा का नाम है, नेटल पौधा, और नेटल पौधा आप अपने घर के आसपास या कहीं जंगल में देखे होंगे, इसके जो पत्ते होते हैं ना डंकनुमा बाल के होते हैं, जिसे अगर किसी वो बाल सॉरी वो लिप्स वो पत्ते को अगर किसी के शरीर में अगर छुआ देते हो या टच करवा देते हो ना, तो उसे काफी जलन सा या फिर खुजली सा होने लगेगा, जो आसपास में काफी बरसातों के दिन में या फिर पाए जाते हैं इधर उधर, और क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, उसे सराव होने से होता है, और इससे बचने के लिए डंक मारे गए स्थान पे बेकिंग सोडा या अन्य क्षारक का उपयोग करने आराम मिलता है, यानी कहने का मतलब अगर चींटी का डंक मारा ये वगैरह वगैरह है तो आप वहां पे बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हो, और बेकिंग सोडा व अन्य कोई भी क्षारक का प्रयोग कर सकते हो जिससे आपको आराम आने की मिलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल यहां तक समझ गए होंगे। अब है बच्चों कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं ना, साधारण नमक खाते हैं उसी नमक की बात कर रहा हूँ, उस जो कॉमन सॉल्ट है साधारण नमक से सीधा आपके एग्जाम में 2013 में पूछ चुका है कि साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए, तो इसे जो साधारण नाम और रासायनिक सूत्र 2013 में पूछ चुका था आपसे सीधा क्या लिखा, रासायनिक नाम क्या उसका, जो सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या है, NaCl है। अच्छा NaCl है, अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम, ये बनता कैसे है, NaCl का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में अगर मैं लैब में अगर तैयार करने का प्रयास करूं तो कर सकते हो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, यानी कि जो HCl आप यहां पे देख पा रहे हो, अम्ल HCl और अन्य वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या मिलता है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड मिलता है और H2O मिलता है। ये तो मुझे लैब की बात हुआ, लेकिन जो मुख्यतः मुझे समुद्र से मिलता है उसकी थोड़ा बात कर लेता हूं। यह मुख्यतः समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है, मुख्यतः कहां से प्राप्त किया जाता है, समुद्र जल से, वो तो लेप की बात था। और समुद्र जल में बच्चों अनेक घुलनशील लवण में साधारण नमक एक प्रमुख लवण है, यानी कि जो होता है
अब समझते हैं यहाँ पे कि व्हाट हैपेंड व्हेन एसिडिक एंड बेसिक बेस इन वाटर सोल्यूशन, जो वाटर सोल्यूशन में होता है तो इसे क्या होता है, वो चीज को समझते हैं वन बाय वन। अब बच्चों यहाँ पे ठीक है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यानी कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और इसके पहले भी मैंने बताया था, जब अम्ल को जब वाटर में मिलाते हैं तो वहां H प्लस आयन वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वो डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। और जल में अनुपस्थिति में, अब क्या बोला है कि जल के अनुपस्थिति यानी कि जब वाटर नहीं हो, जब वाटर नहीं हो तो उसके एब्सेंस में H प्लस आयन को पृथक नहीं हो सकते हैं, आने की जो H प्लस आयन है उसे होने के लिए एसिड और आपका वाटर होना जरूरी है। जब वाटर नहीं है तो एसिडिक से आप H प्लस आयन को अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम H प्लस आयन को अलग नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके एक एग्जांपल ग्रुप में देख लेते हैं, अगर HCl और H2O है तो यहाँ पे H3O प्लस प्लस Cl माइनस बन रहा है। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकता है लेकिन जल अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन हमेशा H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन H2O के रूप में होते हैं। अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब हाइड्रोजन आयन और जल के साथ रिएक्शन करवाते तब हाइड्रोनियम आयन बनता है, या फिर HCl और H2O का रिएक्शन करवाते तब हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्षारक जल के साथ हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार करते हैं, जैसे NaOH, यानी कि अब अलग अलग हम यहाँ पे क्षार लेते हैं और उसको जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या क्या निर्माण होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है वो आप देख पा सकते होंगे। अन्य वो H और H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और दोनों किस फॉर्म में होता है, जलीय विलयन जलीय फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से KOH, उसी तरह MgOH। तो ये मेरा एग्जाम के व्यू से बच्चे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं आपके एकेडमिक भाव से बोलूं तो यहां से यहां तक मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम के व्यू से यहां से सवाल आपके एग्जाम के व्यू से नहीं बनते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो कि सर फिर बनता क्या है, तो जो बनता है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, और अभी सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन का क्षारक हाइड्रोक्सन आयन का निर्माण करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं सॉल्ट वाटर, ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट का अभी जो पढ़ाया अभी तक, वो समझो कि एक पार्ट है जहां से सवाल बनते हैं और एक अभी है दूसरा पार्ट जहां से हमेशा सवाल आपके एग्जाम में बनता है और ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो अब समझते हैं कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये मुझसे जानना और मुझसे क्या बताना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कि हमारे दैनिक जीवन उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, इनसे सीधा आपके सवाल आपके एग्जाम में हमेशा बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे अब एग्जाम के बीच में आपको बताता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और इसके दो उपयोग बताए, यानी निर्माण प्लस उपयोग, जब निर्माण बताना है तो इसका कैसे होता है वो चीज आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसका उपयोग और आपसे ये दो या तीन नंबर में पूछे जा सकते हैं, या तो सीधा कभी कभी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताए, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को, जो साधारण नमक है, अगर उसको हम जल के साथ विलय कर देते हैं, खोल देते हैं, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस बनता है। लेकिन बोलोगे सर घर पे हम करते तो होता नहीं है, बच्चों अभिक्रिया करते हैं तो ये क्लोरो अल्कली प्रक्रिया कहते हैं, जो ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, तब ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस यानी गैस के फॉर्म में बनता, गैसियस हो जाता है और वो सीधा बोल सकते हैं वो बच जाता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इतना ही आपको यहाँ पे स्टडी करना और इतना ही आपको पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर,
विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी कि इस पे जब विद्युत का प्रवाहित करते हैं ये चीज मुझे निर्माण होता है। अब बच्चों यहाँ पे इसका प्रयोग क्या है, सबसे पहला इसका प्रयोग है, अब हम देखिए बच्चों यहाँ तीन चीज मुझे मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो सबके हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं क्लोरीन गैस का, किसी करते हैं क्लोरीन गैस का, तो क्लोरीन का क्या उपयोग है वो सबसे पहले समझते हैं। तो क्लोरीन का जो सबसे पहला उपयोग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है वह आपका है कपड़ों और कागजों को विरंजित करने में, यानी कि रंगने में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका क्लोरीन का काम होता है, ठीक है। इसलिए आप नए कॉपी पर खरीदते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसका गंध भी आता है, ठीक है। अब है सेकंड मेरा, अब समझते हैं बच्चों क्लोरीन को रोगाणु रहित या रोगनाशक के लिए इसका उपयोग जल में रोगाणु रहित बनाने में होता है। बच्चों अब वैसे भी जानते हो कि जब ये हम बरसात के दिन आते हैं तो बरसात के दिन में क्या करते हैं, बहुत सारे जर्म कीटाणु विषाणु जो कुछ भी हो जाते हैं उसे नाश करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, या पानी को शुद्ध करने में बोल सकते हो तो उसे शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उसमें जल में डालते हैं, पानी में डाल देते हैं, व्यंजक चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों पीवीसी जो पानी पीवीसी पी के मतलब वी के मतलब सी के मतलब क्या तो बता देता हूँ कि पी के मतलब होता है पोली, वी के मतलब होता है विनाइल और सी के मतलब होता है क्लोराइड, यानी पोली विनाइल क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म यानी सीएफसी या फिर क्लोरोफॉर्म सीएचसीएल3 आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्लोरीन का उपयोग। अब मेरा है दूसरा हाइड्रोजन का प्रयोग, तो हाइड्रोजन का उपयोग क्या है कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन में किया जाता है यानी कि HCl के उत्पादन में, खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति को घी बनाने में किया जाता है, तो इन सभी में सभी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस पे आपके सीधा उपयोग आ सकता है कि उसका क्या उपयोग है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, उसको धातु से ग्रीस हटाने में जो ग्रीस वगैरह जो मान लो कि जो तेलीय पदार्थ लग जाते हैं ना उससे हटाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। साबुन अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में होता है बच्चों, कृत्रिम फाइबर उस कृत्रिम वस्त्र जो कपड़े या रेशे सब बनाने में से प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइड एस को शुद्धिकरण में, बॉक्साइड के जो एक एस्क है और है मेटल का इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका क्या प्रयोग है, ठीक है। अब है स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या प्रयोग है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या बच्चों, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। जब ठोस भूजे हुए चूने पर आने की, जब ठोस भूजा हुआ चूना पर आने की 313 केल्विन अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर आने की, बच्चों ऐसे समझो कि अगर इसका कैसे करते हैं वो समझो। सबसे पहले अगर इनिशियल से बताओ तो जो चूना होता है ना दुकान वगैरह में मिल जाता है, उस चूने को आप ले लो उसे पानी में डाल दो तो वह CaOH2 बन जाता है, और फिर उसे हम 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और उस गर्म में हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, क्या करता है क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो वह ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है यानी CaOCl2+H2O का निर्माण करता है। तो आपसे बच्चों अगर मैं ये आपका निर्माण बताएगा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण तथा इसके दो उपयोग तथा दो गुणधर्म वगैरह वगैरह पूछा जाता है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो बता सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे लिखा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखे 2017 में, ये आप सवाल चेक बोर्ड में पूछ चुका है, तो इस तरह से लिख सकते हो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है। अब है कि यह हल्का पीला, अच्छा इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसे प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों एक्सप्लेन करते हैं पढ़ते हैं। यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी गंध देता है, अरे जो इसे क्लोरीन के जैसा क्या होता है बच्चों, गंध होता है, थोड़ा सा इसका स्मेल होता है और यह हल्का पीला सफेद कलर में होता है, ठीक है। पूरा ना ये पीला होता है ना पूरा ये सफेद, तो हल्का पीला सफेद कलर में होता है, और ये अस्थायी यौगिक है। ये अस्थायी यौगिक क्यों बच्चों, क्योंकि ये
ये अस्थाई परमानेंट नहीं है, अगर इसे छोड़ देते हो तो ये इसके जो सुगंध है वो बाहर चला जाएगा और इसके ब्लीचिंग पाउडर का जो स्ट्रेंथ है या जो इसके अपने आप का जो प्रबलता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट है क्या, वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। यानी वायु देखो अभी क्या है, अस्थाई क्यों है, क्योंकि जब ये हम इसे खुला छोड़ देंगे तो वायुमंडलीय नमी के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अपघटित हो जाएगा। उसके बाद है वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें Cl2 गैस बाहर निकल जाती, बिल्कुल है बच्चों। जब Cl2 गैस मैंने बताया था कि इसके जो स्ट्रेंथ कम होता है, स्ट्रेंथ कम क्यों होता है, क्योंकि ये CO2 से या वायुमंडलीय नमी से अपघटित हो जाता है। दूसरा बोल सकता है क्लोरीन गैस से इससे बाहर निकल जाती है, और साथ ही साथ अगर यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है, अगर इसको हम तनु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो ये Cl2 गैस का निर्माण करता है। लेकिन ये इतना प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है ये मेरा उपयोग। अब इसका क्या है सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन करने के लिए होता है। लॉन्ड्री का मतलब बच्चों समझ सकते हो, जो कपड़े का उद्योग में या फिर कोई चीज को रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है, रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कीटाणु नाशक के लिए, जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है बच्चों। उसके बाद कागज के फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा पल्प आने बच्चों, जैसे कि कागज के फैक्ट्री में ना जो जैसे रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथते हैं, तो गूंथने के बाद जो बोलते हैं ना पल्प, उस तरह से हो जाता है। यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं, यानी कागज बनने से पहले जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसी को पल्प बोलते हैं। तथा कपड़ों को उद्योग के सूती और लेनिन विरंजक करने के लिए इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद O2 Cl2 क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में बच्चों, यानी ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म मतलब CaCl3 आदि ये सब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और सर कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में प्रयोग होता है। तो आपसे सीधा एग्जाम 2018 में बच्चों पूछा जा गया है कि विरंजक चूर्ण का दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखने के लिए तो आप इनमें से कोई भी लिख देना, क्योंकि 2018 में पूछा, 2017 में पूछा, 2019 में नहीं पूछा बच्चों। तो ये इसके मतलब है 2020 या तो फिर 20 में भी नहीं पूछा, 21 में कंफर्म है कि ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन में दूसरों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि जितने लोग पढ़ेंगे उतने हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। ठीक है, अब है आगे बच्चों बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, सबसे पहले बेकिंग सोडा का निर्माण आ सकता था। बेकिंग सोडा बोल सकते हैं कि कच्चे पदार्थ, यानी कच्चे पदार्थों में NH3 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि एक चीज से नहीं, बहुत सारी चीज से मिलकर बनता है, जैसे NaCl हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, इन सभी को मिला देते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 का बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ये तो ये मेरा निर्माण हो गया बच्चों। आपसे निर्माण देखो जितने भी बता रहा हूँ, 4-5 जो वही है, इनके निर्माण और इसका उपयोग आपको रिमेम्बर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा क्या है, एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा बच्चों बेकिंग सोडा खाने वाला ही सोडा होता है, एक धोवन सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। लेकिन जो अभी पढ़ा रहा हूं वो आपका क्या है, यहाँ पे खाने वाला सोडा है। यानी कि जो हम लोग जैसे पावरोटी हो गया या फिर कोई समोसे हो गया या फिर खाने वाला सामान में जो बनाया जाता है, डाला जाता है, वही होता है बेकिंग सोडा। इसके ऊपर इसे डाला जाता है जो सफेद रंग में होता है। यह रवादार सफेद ठोस पदार्थ होता है। यह जल में कम घुलनशील, यह जल में क्या होता है, कम घुलता है। इसका विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इसे जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मैंने बताया था कि सोडा है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि क्षारीय विलयन मतलब क्या है, बेस है। जब बेस में हम लिटमस पेपर को डालते हैं बच्चों तो क्या कर देता है, नीला कलर में कन्वर्ट कर देता है ना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मैंने समझाया था आपको। इसका पीएच मान सबसे अधिक है, अतः इसका दुर्बलता असंरक्षारक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पहले बताया था कि क्षारक में जिसका पीएच मान जितना अधिक उसका उत्तम वो उतना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है बच्चों कि खाना पकाते समय या गर्म हो, जब यह गर्म होता है तो सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। खाने पकाने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। ये तो मैंने पहले बता दिया कि समोसे वगैरह वगैरह प्रयोग होता है। अब मेरा है इसका आगे उपयोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट ये होगा।
अब यहाँ पे मेरा है सबसे पहले अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग में पहला क्या, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, जो सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक अम्ल और टार्ट्रेट का एक मन खाद्य अम्लों का मिश्रण जो केक डबल रोटी पारोटी पकवान आदि बनाने में बच्चों को प्रयोग किया जाता है। तो बोल सकते हो इसका प्रयोग तो समझ गए होंगे कि कहाँ का क्या जाता है पकवान वगैरह बनाने में। अशोधी के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने के लिए बच्चों इसके मतलब ये क्या है, नेचर में बेसिक है। ताजे दूध को फटने से बचाने के लिए यानी अम्लता को दूर ना लाने के लिए प्रयोग है। प्रयोगशाला में प्रतिकार यानी रिएजेंट के रूप में बच्चों प्रयोग किया जाता है। शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। फूलने वाले भोज पदार्थ यानी भोज पदार्थ में यही सब हो गया कि आपका केक वगैरह डबल रोटी पकवान ये सब में बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक अंतर में किया जाता है बच्चों, अग्निशामन के जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका कहीं आग लग जाता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है अभी हमने बताया था कि जब अणु में क्या किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और वह क्या करता है इस तरह से आग को बुझा देता है। आपके में अगर बोलूं तो 2017 में ये सवाल पूछा जा सका, बेकिंग सोडा का दो उपयोग लिखें। अब दो उपयोग लिखें ना, दो उपयोग कोई भी आप लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हैं कि फूलने वाले भोज पदार्थ के निर्माण में बोल सकते हो या अग्निशामक में या ताजे दूध को फटने से बचाने के लिए, इन सब अन्य प्रयोग हम बता सकते हैं और इस तरह से आप रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आइए आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आपका है नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। अब है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा अभी क्या पढ़े थे हम लोग, खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा। अभी क्या है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा अनियोसित्री किसका निर्माण कैसे होता है वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अनियोसित्री को अनियटिव CO3 H2O और CO2 यानी बेकिंग जो बेकिंग सोडा है अनियोसित्री को गम करने पर सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O का निर्माण होता है और इसे जल में क्रिस्टलीकरण के बाद धवन सोडा प्राप्त होता है। इस तरह से क्या होता है धवन सोडा का निर्माण होता है बच्चों। यहाँ से जो रिएक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो NaHCO3 जब इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और इस सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल तथा CO2। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये फिर आगे भी बढ़ता जाता है और फिर NaHCO3 को हम आगे रिएक्शन करवा देते हैं, जल के साथ मिला देते हैं तो NaCO3 10H2O बन जाता है। यानी कि धवन सोडा क्षारीय लवण है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या नाम है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा ने धवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र बताएं। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 और 10H2O हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, अगर इसके विलयन को गर्म करते हो तो क्या बन जाता है, जैसे समीकरण को लिखिए तो आपके ये तो अभी बताया आप यहाँ से लिख सकते हो बिल्कुल यहाँ से, उसे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र ये मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से दो सवाल आपके 2014 में 2018 में पूछा जा चुका है। अब इसके गुणधर्म के बारे में समझते हैं, गुणधर्म इसका क्या है। हाँ अब समझते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसका गुणधर्म क्या, प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में बोल सकते हैं यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है, यानी कि ये बच्चों ये सफेद है लेकिन इतना कि ये आर पार दिखाई देने लगता है। यह जल में घुलनशील है, यानी कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये जल में घुलनशील है और जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है मतलब ये क्षारीय है। पर इसको गर्म करने पर 10 अणु रवा जल को खो देता है बच्चों, यानी कि Na2CO3 10H2O है। तो गर्म जैसे गर्म करते हैं तो ये जो 10H2O वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और इसी को जो जब Na2CO3 बचता है तो इसे हम बोलते हैं निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और इसी को हम को सोडा छार अथवा सोडा राख भी कहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका निर्माण और इसका उपयोग। तो उपयोग आप समझते हैं वन बाय वन। तो पहला जो उपयोग है मेरा कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में, यानी कि जल को अस्थायी कठोरता यानी कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है यानी कि जो पीने लायक पानी नहीं है उसमें अगर इसको डालने पे वो क्या जाए पीने लायक बना देता है यानी सॉफ्ट बना देता है। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। उसके बाद इसका उपयोग कांच साबुन कागज के उद्योगों में किया जाता है। बोरेक कास्टिक सोडा
तथा सोडियम के अन्य यौगिक का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक अन्य रिएजेंट के रूप में पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने में घरेलू कार्यों में शोधन भी करना अनेक घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है उसे समझाने वाला, तो जितने हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो इसका प्रयोग है। अब ये 2017 में पूछा गया कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो अभी आपको बता दिया कि सोडियम किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सीधा आंसर आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्जाम के व्यू से, तो अब समझते हैं 1/1। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सबसे पहले बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछा जाएगा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके दो उपयोगी क्या है। तो इसको सबसे पहले बताता हूँ कि कहते किसे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे पहले समझते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम का आंसर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऐसे क्या पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं, और जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, बच्चों अब देखो निर्माण के बात हो गया, आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्माण कैसे होता है, आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए जिप्सम से। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के 3/2 पार्ट यानी 3/2 अणु को क्या कर देता है, त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी अभी क्या देखा, जिप्सम में कितना होता है, 2H2 होता है, तो 2 यानी कि 2H2O में से इसके 3/2 यानी कि 1.5 भाग निकाल वो क्या कर देता है, रखता है, और उसमें 1.5 भाग वो त्याग कर देता है। जब त्याग करता है इसका उसे बचता कितना, आधा, 1.5 के यानी कि 3/2 त्याग कर देता है, 1/2 बच जाता है, बचता है। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन फ्रैक्शन में बैलेंस सही नहीं, वो तो बैलेंस तो है, लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए देखो ये फ्रैक्शन किसी भी 2 की वजह से और यहाँ भी 2 की वजह से, इसे 2 अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2CSO4 और यहाँ 2H2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 2 कैंसिल होकर यहाँ 3 बच जाएगा। तो अच्छा बच्चों एक बात और भी है, इसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अर्ध जलयोजित, अर्ध के मतलब क्या होता है, आधा, आधा के मतलब क्या, हाफ H2O, इसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। तो बच्चों यहां तक आप तो समझ गए होंगे, तो आपसे भी पूछा जाएगा कि तो आप सही सही आंसर दे पाओगे इस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आपको बताता हूं, अब जिप्सम को 300 अधिक ताप पर, अब बच्चों यहां पर देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, जिप्सम को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने से जमने का गुण खत्म हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अभी उपयोग बताऊंगा, जैसे कि जिस तरह देखिए जब किसी का हड्डी पेड़ वगैरह हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसमें जो पट्टी बांध कर देता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगर उसी चीज को अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो जो जमने का गुण है ना बच्चों, जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे पानी मिलाते हैं पिलाने बना करके और पट्टी वगैरह बनाया जाता है जिससे पैर हाथ टूटे पर, तो वो फिर जो जम, इसके मतलब क्या होता है, जब बना देता है उसे कुछ देर के बाद सूख जाता है, तो सूखने का गुण खत्म हो जाएगा। कब, जब जिप्सम को हम 373 डिग्री अधिक पर गर्म करते हैं जिससे हम अनाद्र कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 बनता है, यानी कि जो H2O है वो भी क्या हो जाता है, सीधा बाहर हो जाता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम से बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिसको मैंने शुरू में बता दिया आपको। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं वो चीज अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला सवाल बच्चों यहाँ पूछा गया जिप्सम क्या होता है, इसका 373 के ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या आंसर होगा। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसका दो उपयोग, ये भी आपको 2016 में पता, ये तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब CaSO4 का हाफ H2O के समान नाम वो भी मैंने बता दिया।
तो इस तरह से आप तीनों चीज का आंसर दे सकते हैं। अब है कि इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं, ठीक है। अब है यहां इसके गुणधर्म के बात करूं, यह एक सफेद पाउडर के रूप में होता है, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर और उसका फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है जिसे 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर या कड़ा हो जाता है और छिद्रयुक्त ठोस बनता है क्योंकि जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनकर कठोर और ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो बच्चों ये बहुत ठोस हो जाता है और इसे जब हम पानी के साथ ये तेजी से अभिक्रिया करता है और छिद्रयुक्त ठोस बनता है। अब इसका प्रयोग छिद्रयुक्त बनने का फायदा क्या वो मैं अभी आपको सबसे फायदा ये यहाँ बच्चों समझ आएगा, ठीक है। तो आप देखते हो जब शल्य चिकित्सा के मतलब सीधा मतलब समझ सकते हो कि जहाँ चीज फाड़ वाला बात है वहां से शल्य चिकित्सा बोलते हैं उसे। तो फिलहाल ये अभी आप समझे कि जब हड्डी किसी का टूट जाता है तो स्थिर रखने के लिए, जब हड्डी स्थिर रहेगा तभी तो उसका पैर या हाथ जो भी टूटा है वो जुड़ता है, तो स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या जन चिकित्सा में, जन चिकित्सा मतलब बच्चों की जब किसी का दांत वगैरह छिद्र हो गया है तो है या फिर उसमें इसका प्रयोग किया जाता है भरने में, ठीक है। अब खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने के लिए, जैसे कि आप जानते हो शायद कि जो खिड़की जो होते हैं जो पैनल होते हैं उन सब में जो छिद्र होते हैं उनको बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद खिलौना के सजावट के सामानों आभूषण के निर्माण मूर्तियों में तथा इस सांचे के रूप में जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो सब यही सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अग्नि रोधक पदार्थ बनाने में और दीवारों को चिकना करने में और दीवारों को अलंकृत कर अभिकल्प बनाने में ये सब प्रयोग किया जाता है बच्चों। आप जानते हो कि जब अग्निरोधक के मतलब क्या है, जिसे आग से बचाया जा सके, दीवारों को चिकना, आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो होते ना कि सफेद के वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है बच्चों, किया जाता है। उसके बाद बच्चों दीवारों को अलंकृत करने में यानी कि दीवारों को सजाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से इसका प्रयोग। उसके बाद भी एक लास्ट प्रयोग आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, प्रयोगशाला में उपकरणों में वायु के अंतरालों में सील करके वायु रोधी बनाने में, यानी कि कोई ऐसे भी उपकरण है जो काफी ज्यादा उसमें एयर को मुझे मैं चाहता हूँ कि उसे एयर बाहर ना निकले तो उसे क्या करते हैं उसे वायु रोधी यानी कि वैक्यूम बनाने के लिए उसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और भी आपको समय लेंगे, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चेक बोर्ड के अनुसार आ चुका है मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्या क्या है देख लेता हूँ कि आपके मैं क्या क्या बताया क्या क्या नहीं बताया हूँ। देखो बच्चों यहाँ 2019 2018 सब नहीं लिखा हूँ मैं, आपको कहीं ना कहीं जो पहले बताया गया ना कि ये जैक बोर्ड में आ चुका है वो चीज पहले लिख दी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं है, मैं इसे फिर वहां लिखने में समय उतना नहीं मिल पाया और मैं जल्दी से चाह रहा था वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए आप समझते हैं इसका प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्या आपसे आ चुका है। अम्ल तथा क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया और उदासीन अभिक्रिया कहते हैं क्यों, और एक उदाहरण दे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल क्षार एक दूसरे अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है इसलिए उदासीन किरण अभिक्रिया करते हैं, तो एग्जांपल वहां से आपको मिल जाएगा। जल के अनुपस्थिति में जल अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ये मैं आंसर पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले वाला भी वहां पर भी है। अम्ल को तनुकृत करने समय यह क्यों नहीं अनुशासित किया जाता कि अम्ल और जल के मिलान मिलने से न अम्ल को जल में मिलाने चाहिए ना कि जल को अम्ल में, यानी कि बच्चों यहाँ सीधा आपसे बोल रहा है कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी कि आपके पास अम्ल भी यहाँ और जल भी है दोनों के मिलाना है तो क्या करोगे, अम्ल को जल में डाल दोगे या जल को अम्ल में डाल दोगे, तो वही चीज है इसका आंसर यहाँ समझ लो आप। आपके एग्जाम में 2014 में आ चुका है कि जल को अम्ल में डालने पर छींटे दूर दूर तक छिटकने लगते हैं, यानी कि जल को जब अम्ल में डालते हैं कब किसमें डालते हैं अम्ल में डालते हैं तो छींटे दूर दूर तक पहुंचे, इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह जो अम्ल है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और वही रिएक्ट करता है और जो आपका वाटर है वह तो रिएक्ट करते ही नहीं है क्योंकि वह क्या होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं और डालने पर अम्ल की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाता है। बच्चों 2013 के जितने सवाल तो मैंने ऊपर लिख चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं है। दूसरा है लोहा के चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाने पर क्या होता है, वो मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl में जब कोई भी अगर लोहे को या फिर कोई भी धातु को बनाते हैं तो क्या बनता है वो मैंने आपको बताया था, उसका आंसर ये आपका रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले ये हो गया। अब मेरा दूसरा है बच्चों यहाँ पे
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के वायु में दहन करने तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ए में आंसर लिख दिया हूं आपके, यही मेरा आपका आंसर है। एक सेकेंड, जो आप बच्चों यहां पे देख रहे हो यही इसका आंसर है, और इसका आंसर ये लिख दिया हूं। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित, ये मैंने शुरू में बता चुका हूं यानी एसिटिक अम्ल C2H5C12H। अब क्यों हाइड्रोजन आयन को H2O प्लस के रूप में दर्शाया जाता है, और ये भी आंसर में ऊपर में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका आंसर बोल सकते हो आयनों की सांद्रता बढ़ाने में, इसका भी आंसर लिख दिया हूं यहां पे, तो आपको दिक्कत ना हो, मिसल में यहीं पे लिख दिया हूं। आयनों की सांद्रता बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, ये भी मैंने बता चुका हूं। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, समीकरण दे, ये भी बता चुका हूं। तो आपको जितना भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, और कोई भी सवाल अगर है तो यहां से आप सभी का सभी आप बना सकते हो। ये आपके 2011 में पूछे, जिसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लें, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और ये बच गया है, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इस तरह से आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आपको पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। धन्यवाद।